नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली आप नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद सीबीआई ईडी केस में मिली जमानत, आज तिहाड़ से आ सकते हैं मनीष बहार। यूपी बिहार में गंगा उफान पर तो वही वाराणसी में घाट किनारे बने 500 मंदिर डूबे, आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली से आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार, एनआईए की वांटेड लिस्ट में 3 लाख का इनामी था, 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से हुआ था फरार। उड़ीसा में देश का पहला अनाज एटीएम हुआ शुरू, जो 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांटेगा, इसमें हर राज्य का राशन कार्ड करेगा काम। जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रही जमीन, 3 किलोमीटर में धस रहे पहाड़, घरों में दरारें, हादसे के डर से घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। बंगाल में एक और ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल यातायात हुई बाधित। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच हुई जमकर बहस, सभापीठ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 69,705 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी भी 250 अंक के साथ बढ़त में रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसआरबी सेलजा रणजीत वीरेंद्र गुट से किनारा कर लिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब और कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा से स्वयं को अलग करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पूरे राज्य में परिवर्तन रैलियां करने का निर्णय लिया है और यह रैलियां विधानसभा स्तर पर होंगी। वहीं इन रैलियों के माध्यम से सुरजेवाला जहां अपना अलग राजनीतिक अस्तित्व पारदर्शित करने की तैयारी में है, वहीं हुड्डा या शैलजा का नेतृत्व स्वीकार करने की बजाय स्वयं को मुख्यमंत्री पद की लाइन में पूरी मजबूती से खड़ा रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कर्नाटक के प्रभारी रहते हुए सुरजेवाला वहां कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहे, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजकर पुरस्कृत किया है। पिछले कई दिनों से उनकी गिनती एसआरके शैलजा रणदीप किरण के गुट में होती थी और तीनों ही नेताओं को कई बार एक ही मंच पे देखा गया है, लेकिन किरण चौधरी के भाजपा में चले जाने के बाद एसआरके गुट टूट गया है। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस गुट में जुड़ जाने के बाद इसका नया नाम एसआरबी शैलजा रणदीप वीरेंद्र गुट पड़ गया है। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 3 कांस्य पदक जीत कर लौटे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए उन्हें हरियाणा का गौरव बताया है। आपको बता दें कि खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दोनों निशानेबाज खिलाड़ियों को खेल विभाग में उप निदेशक की नौकरी की पेशकश की है, जिसे उन्हें स्वीकार भी कर लिया है। प्रदेश सरकार 17 अगस्त को रोहतक में होने वाले समारोह में हरियाणा के सभी पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी, जहां उन्हें नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस के ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक जीते हैं, जबकि सरबजोत सिंह ने 1 कांस्य पदक जीता है। मनु और सरबजोत दोनों अपने परिवार के साथ शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने मनु भाकर के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और जीत की शुभकामनाएं दी। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट में हरियाणा के विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों में कई सालों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शुक्रवार को पलवल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रवार्ता कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि जिन कच्चे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 15 अगस्त तक 5 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट 58 साल की उम्र होने तक हटाया नहीं जाएगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में ये
सराहनीय फैसला लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें कि इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ की खास रिपोर्ट। एम्प्लॉइज है उनको फायदा मिलेगा जो कि एचकेआरएम में है या पार्ट वन पार्ट टू आउटसोर्स से लगे थे, उन सबको 15 अगस्त के 5 साल होने पर पूरा होने पर डेवलप किया जाएगा। इसी तरह किसानों के लिए, क्योंकि इस वर्ष जिस तरह से बारिश बहुत कम हुई है और उस बारिश की कमी से जो किसान को फसल का जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो कम होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वन टाइम जो बोनस कह सकते हैं किसान को 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी सहायता की जाएगी किसान की। और ये इसके लिए जिन लोगों ने जो पोर्टल पर जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल है उस पर जिन लोगों ने अपलोड कराया है उन लोगों को ही मिलेगा। और 15 अगस्त तक ये पोर्टल भी खुला है, जिन लोगों ने मान लो अप्लाई नहीं किया वो लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको इस चीज का लाभ मिल सके। इसमें जो भी किसान अपना इस पर पोर्टल पर अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको सबको मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी को कम लॉस हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ये सभी को मिलेगा जिन जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद बीपीएल परिवारों को 500 रुपए का सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत अच्छी राहत गरीब परिवार को है। और पहले तो ये होता था कि आपको पूरे पैसे देने पड़ते थे, 800 रुपए का जितना भी सिलेंडर आता था वो पूरे पैसे देने पड़ते थे, उसके बाद आपके खाते में सब्सिडी आती थी। लेकिन अब सरकार ने किया कि कंज्यूमर को जो बीपीएल परिवार है उसको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे, बाकी का जो ऊपर का पैसा है वो सरकार गैस एजेंसी को डायरेक्ट अपने तरफ से देगी। तो ये भी एक लाभ बीपीएल परिवार को मिला है कि उसको 500 रुपए ही देने पड़ेंगे, उसको सब्सिडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो किसानों के अभियाना जो बहुत अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था उसको भी माफ करने का सरकार ने काम किया है और आगे लगेगा भी नहीं, ये भी फैसला सरकार ने कैबिनेट में किया है कि आगे अभियाना किसानों पर नहीं लगेगा। उसके बाद किसानों का जो कई बार जैसे पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता था या फूक जाता था तो उसका भरपाई किसान को करनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, जल जाता है या चोरी हो जाता है तो उसका जो पैसा है वो भी सरकार वहन करेगी। और ये भी था कि अगर आपको अपना कनेक्शन कहीं शिफ्ट करना है तो वो सोलर ही लगाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन भी हटा दी है। सोलर उसकी मर्जी है, लगाए तो सोलर लगाए और वैसा कनेक्शन बिजली का लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तीसरा एक 5-3 स्टार मोटर जो लगानी थी वो 3 स्टार मोटर पहले ये था कि स्पेसिफिक कंपनियों की ही आप लगा सकते हो, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कर दिया कि वो किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को लाभ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये जनता को इसका लाभ मिले। तो ये जो सरकार ने जो फैसले लिए उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए आज हमने फैसले। हरियाणा में भजनलाल परिवार ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से किनारा कर लिया है। दरअसल 1 साल पहले जहां खट्टर को जन्माष्टमी कार्यक्रम में बुलाया गया था वहीं इस बार उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। बता दें कि पिछली बार मनोहर लाल जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उनकी जगह मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को बुलाया गया है। हिसार के बिश्नोई मंदिर में 26 अगस्त को गुरु जम्वेश्वर भगवान की 574वीं जयंती और जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर बिश्नोई समाज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भी कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई करेंगे और इस बार खट्टर का कार्यक्रम से नदारद रहना चर्चा का विषय बन गया है। पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार जिला व उपमंडल स्तर पर सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इस समाधान शिविरों में लोगों की शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। समाधान शिविरों का आमजन को लाभ उठाना चाहिए। आपको बता दें कि हर कार्य दिवस की तरह आज भी जिला उपायुक्त
डॉक्टर हरीश कुमार के मार्गदर्शन में जिला सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में आने वाले प्रार्थियों को शिकायतें सुनकर उनके मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से निवारण कार्य करवाए गए। इस दौरान हरीश कुमार ने कहा कि समाधान शिविर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है। इन शिविरों में मौके पर ही सभी विभागों के अधिकारी लोगों की शिकायतें सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बड़ा ही गंभीर सोच के साथ शुरू किया गया एक विषय है समाधान शिविर, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से जो भी शिकायतें लोगों को होती हैं वो लेकर के हमारे पास आते हैं। 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर चलता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बैठते हैं और उन समस्याओं का त्वरित वहीं समाधान किया जाता है। क्योंकि जो एक थोड़ा गैप होता था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाक जाती थी और समय लगता था, अब वो सब खत्म हो गए हैं। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर वहीं होते हैं, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को तुरंत वो पेपर दे दिया जाता है और तुरंत उसके समाधान किया जाता है। इन समाधान शिविरों के माध्यम से वहाँ पर DC, SP सब और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रह करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स समाधान शिविर के माध्यम से आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो लोगों की समस्या है उनको समाधान होने में बहुत बड़ी मदद इन समाधान शिविरों के माध्यम से मिल रही है। बात करें हरियाणा के मौसम की तो प्रदेश भर में आज भी बारिश के आसार हैं। मानसूनी हवाएं सक्रिय हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि आज महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही ये भी बता दें कि आंकड़ों के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा 186.5 mm बारिश चरखी दादरी में दर्ज की गई है। इसके अलावा गुरुवार को प्रदेश के महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक में भी बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD लगातार मानसून के सक्रिय होने और भारी बारिश की संभावना जताता रहा है। विभाग के अनुसार अगस्त में अब तक प्रदेश में 37% अधिक बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर 8 दिनों में प्रदेश में 44 mm बारिश हो जाती है, लेकिन अब तक 60.2 mm बारिश हो चुकी है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।